इधर है सोन नदी, सोनभद्र की जान, इसके बगल में गुप्ता धाम गुफा है। बहुत बड़े चमगादड़ यहाँ पर बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये गुफा का जो छोर है आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुफाएं कितनी अंदर तक यहाँ पर गई हुई है। ये काफी गहरी खाई है, उसके नीचे तक ये रास्ता सीधे आपको लेकर जाएगा। दोस्तों, टेढ़े मेढ़े खतरनाक रास्तों को पार करते हुए हम अंततः इस जगह पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे गुप्ता धाम का ये बोर्ड लगा हुआ देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश टूरिज्म का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यह सोनभद्र जिले में पड़ता है यह जगह, जबकि गुप्ता धाम का फेमस जगह जो है वो है बिहार के अंदर। जो लोकेशन आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको बिहार का दिखेगा, लेकिन ये जगह काफ़ी हिडन प्लेस पे है, छुपी हुई जगह पे है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। इन सीढ़ियों से आपको सीधे गुफा के अंदर लेकर चलेंगे। इस तरफ सोन नदी है, आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी यहाँ पर सोन नदी की चौड़ाई बहुत अधिक है। ये सामने सोन पुल आपको दिख रहा होगा, कोहरा की वजह से काफ़ी धुंधला दिख रहा है। सोन नदी को अलग अलग हिस्से से जहाँ से भी आप सोनभद्र में देखेंगे, इसकी सुंदरता, इसकी बनावट अलग अलग आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये गुप्ता धाम का बोर्ड लगा हुआ है उत्तर प्रदेश टूरिज्म के द्वारा, और ये जगह काफ़ी हिडन है, बाहरी लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ क्षेत्रीय लोग जगह के बारे में जानते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस जगह के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चल रहे हैं गुप्ता धाम सेवा समिति पिंडारी, इसके द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है और उस पर लिखा गया है कि इस मंदिर परिसर के 200 मीटर की रेंज पे आप जो है कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं। यह जो लोकेशन है यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया है। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा इस समय जो चल रहा है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको सरकार के द्वारा काटा जा रहा है कोयले के खदान के लिए। 2.5 से 3 लाख पेड़ों को काटा जाने वाला है। दोस्तों, आप पूरी दुनिया में आप कहीं से भी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सेव हसदेव हैशटैग करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, इस पारितंत्र के अंदर अन्य जंतु जानवर नहीं रहेंगे, तो ये सृष्टि खुद ब खुद विनाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। हमें बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल मिल सकती है, कोयला का खदान इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हम पानी से, हवा से, सोलर से, जो कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कोयले के चक्कर में अगर इन बड़े जंगलों को काट देंगे, इन पेड़ों को नष्ट कर देंगे, तो फिर से इनको बनाना ये संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन चाहिए और देने वाला केवल पेड़ पौधे हैं। तो सेव हसदेव का आप मुहिम चलाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक सब 82 सीढ़ी है यहाँ पे, पेड़ों को इस तरह से काट के बस इसी तरह से छोड़ दिया गया है। तो इस ऐसी प्लेस पे रीफॉरेस्टेशन करने की आवश्यकता है, जो पेड़ सूख रहे हैं उनके अगल बगल ही किसी नए पेड़ को लगाने की आवश्यकता है। जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है, जंगल बचेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे और ये पृथ्वी बचेगी। क्षैतिज बनाई गई थी तो आराम से यहाँ तक चढ़ पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, मतलब यहाँ पर आके जाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, 182 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक बड़ी पहाड़ी को हम लोग क्रॉस करके आए हैं और उसी पहाड़ियों में ये जो गुफा है वो मौजूद है। यह गुफा का द्वार है,
यहाँ से जब आप प्रवेश करेंगे तो एकदम सकरी और काफी अंधेरे से भरी हुई यह जगह है, क्योंकि ऐसी खतरनाक गुफाओं में सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। इसलिए पूरी तरह से ये चमगादड़ों का घर बन चुका है। हजारों की संख्या में चमगादड़ इसके छत से चिपके हुए रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा बहुत आहट मिलता है तो चहचहाना और इधर उधर भागना, बौखलाहट उनका आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनकी काफी बीट्स नीचे पूरी जमीन पर पड़ा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सैकड़ों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं इन गुफाओं के अंदर। हमारे पास लाइट है, इसको लेकर चलेंगे। चमगादड़ की आवाज़ बहुत तेज आ रही है और इनके बीट्स की वजह से काफ़ी दुर्गंध भी आ रही है, लेकिन चलेंगे ऐसी अंधेरी जगहों पे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से काफ़ी गंदगी रहती है, नमी भी बरकरार रहती है, तो इस तरह से बहुत बुरा स्मेल आता है। लेकिन गुफा के अंदर चलेंगे और आपको इसकी जो भी जहाँ तक दिखा सकते हैं आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत ही अजीब स्मेल आ रही है और बहुत सारे चमगादड़ है, इस वजह से हमें सर को अपने ढकना पड़ रहा है। चल रहा है, देखते हैं। ऊपर मत देखना, नीचे ही देखते रहो, आँख में कुछ गिर जाएगा। इस तरह से पूरी ये जो गुफा है ना, ये पूरी तरह से चमगादड़ों के वीर से ढका हुआ है और काफी एक अंधेरी वाली जगह है। और इसकी भी गुफाएं हैं, देखिए। इसकी जो मेन गुफा है, मंदिर का रास्ता यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से बनावट है। इस जगह पे दोस्तों कोई आता नहीं। यह है यहाँ का मंदिर, गुप्ता धाम का ये मंदिर है। काफी खतरनाक जगह है ये गुफा का जो छोर है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुफाएं कितनी अंदर तक यहाँ पर गई हुई है। तो इस तरह से ये काफी खतरनाक गुफा है। ऊपर देखिए चमगादड़ का पूरा एक झुंड यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये सदियों पुरानी गुफाएं। इस तरह से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, सुरंग है। मैं मुंह इसलिए बांधा हुआ हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है। इस जगह पे बहुत ज्यादा दुर्गंध है और एकदम धूल धूल उड़ रहा है, तो कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए मुंह बांधा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये सुरंग है जो अंतहीन है। अभी तक इसका कोई पता नहीं बता पाया है कि इसकी गहराई कितनी है, कितनी लंबी ये सुरंग है। और चारों तरफ का एक दृश्य देखिए, इस जगहों पे कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इधर भी देखिए ये जो जगह है, यह भी देखिए इस तरह से ये गुफाएं हैं। इसकी भी रास्ते किधर खुल रहे हैं किसी को नहीं पता है। अंधेरी जगह है और ये जो यहाँ का शिवलिंग है। तो ऐसी गुफाओं में आप बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के प्रवेश न करिए। पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास ग्लव्स, जूते, मास्क, हेड पे भी लगाने के लिए जो सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है। इन हवाओं में, इसके अंदर की जो हवाएं हैं उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप सांस ले भी लेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो इस तरह से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर इस जगह को टूरिस्ट के लिए प्रमोट करना है तो थोड़ी बहुत साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर जरूर करवाया जाए, जिस वजह से ये जो सोनभद्र में स्थित ये जगह है ये काफ़ी फेमस हो सकती है और यहाँ के लिए प्रमोट इसको किया जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सरकार तक पहुँचे और इस जगह का भी कुछ देखभाल रख रखाव अच्छे से हो सके। दोस्तों, अगर आप चैनल भारत भूमि ब्लॉग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में सेव हसदेव जरूर करिए।